तुलसीदास की रामचरितमानस के बाल कांड में भगवान राम के बाल स्वरूप का वर्णन है। उसमें राम के श्याम वर्ण, मुस्कान और शरीर के बाकी अंगों की सुंदर व्याख्या की गई है। अयोध्या के राम मंदिर में लगाए गए कृष्णा शिला से बनी श्री राम लला की मूर्ति बहुत हद तक वैसी ही है। अयोध्या में 16 जनवरी से शुरू हुए प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का रविवार 21 जनवरी को छठवां दिन है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या की सीमाएं सील कर दी गई हैं। अब 23 जनवरी तक सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा में बुलाए गए मेहमान को ही पास देकर एंट्री मिलेगी। उधर पूरी अयोध्या को 2000 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। आज शाम की आरती के बाद अनुष्ठान पूरे हो जाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन में महज एक दिन बचा है। सोमवार यानी 21 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर दर्शन के लिए खुल जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में करीब 8000 आमंत्रित मेहमान पहुंचेंगे। इसमें कई VIP गेस्ट भी हैं। 8000 गेस्ट के अलावा श्रद्धालुओं की भीड़ भी समारोह में शामिल होने के लिए मंदिर के आसपास रहेगी। ऐसे में यहां की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शनिवार रात से ही अयोध्या पूरी तरह छावनी में बदल गई है। यहां शहर के एंट्री पॉइंट से लेकर राम मंदिर तक चप्पे चप्पे पर पुलिस और ATS के कमांडो तैनात रहेंगे। अयोध्या में फिलहाल ब्लैक केट कमांडो, बख्तरबंद गाड़ियां और ड्रोन आपको खूब नजर आएंगे। NDRF की एक टीम भी सरयू नदी के पास तैनात की गई है। यूपी पुलिस की बात करें तो यहां पे यूपी पुलिस के 3 DIG भी तैनात है। यही नहीं 17 IPS, 100 PPS लेवल के अधिकारी और 325 इंस्पेक्टर के साथ 800 सब इंस्पेक्टर और 1000 से ज्यादा कांस्टेबल को सुरक्षा व्यवस्था में मौजूद रहने के लिए तैनात किया गया है। सुरक्षा में कोई चूक न हो इसके लिए रेड जोन येलो जोन में बांटा गया है। रेड जोन में PAC के 3 बटालियन तैनात हैं, जबकि येलो जोन में 7 बटालियन तैनात हैं। पुलिस के अलावा अयोध्या में 22 जनवरी को सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी की भी मदद ली जा रही है। अयोध्या में निजी सुरक्षा एजेंसी SIS मोर्चा संभाल चुकी है। कंपनी के डायरेक्टर ऋतुराज सिन्हा का कहना है, हम अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखने के लिए AI तकनीक का भी मदद ले रहे हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।